बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर काउंटडाउन क्लास एंड आई एम योर काउंटडाउन टीचर। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन फेज़ का रिमेनिंग वीक 4 चल रहा है और रिमेनिंग वीक 4 का आज हम थर्ड टास्क कंप्लीट करेंगे। सो ओपन योर शेड्यूल। टुडे इज़ 4th of September 2020, डे इज़ फ्राइडे। सो ओपन योर काउंटडाउन बुक्स, पेज नंबर 159 एंड 160। और इन पेजेस पे जो हम टॉपिक्स करेंगे वो हैं एरिया, फाइंडिंग एरिया यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स। ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर काउंटडाउन बुक्स, पेज नंबर 159। वेल स्टूडेंट्स, ये है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं द टॉपिक इज़ अबाउट एरिया। सो रीजन ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, एनी शेप सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय अ लाइन वेयर द स्टार्टिंग and ending points of the line are the same is a closed shape. Okay students, इन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी की वोकैबुलरी में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो पहली चीज़ है वो है क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप क्या होती है? कोई भी शेप जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स एक ही लाइन पर मीट कर जाएँ तो उस शेप को हम कहते हैं क्लोज्ड शेप। जैसा कि आप यहाँ, आपको जो डिफरेंट शेप्स दी गई हैं इनको आप देख सकते हैं, ये सारी आपके पास क्लोज्ड शेप हैं और क्लोज्ड शेप में कोई भी आपका एंड जो है वो ओपन नहीं होता। द सर्फेस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड शेप इज़ द रीजन ऑफ द क्लोज्ड शेप। वो पोर्शन जो आपकी क्लोज्ड शेप का अंदर का पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? रीजन ऑफ द क्लोज्ड शेप। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके फिगर्स हैं इनमें जो ये इनका कलर्ड पोर्शन है ये सारा क्या है? रीजन ऑफ द क्लोज्ड शेप। द शेडेड पार्ट्स आर द रीजन ऑफ द क्लोज्ड ईच क्लोज्ड शेप। मोर ओवर द शेडेड पार्ट्स टेल्स अस द सरफेस कवर्ड बाय द शेप्स। द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब आपका जो शेडेड पोर्शन है वो आपका क्या है? रीजन ऑफ द क्लोज्ड शेप। अब जो रीजन है आपका वो ये भी बताता है कि आपने की शेप ने कितना जो एरिया है वो कवर किया हुआ है, या यूँ समझ लें उसने कितनी सरफेस को कवर किया हुआ है, कितनी जगह घेरी हुई है। तो वो अमाउंट जो शेप की सरफेस को बताती है कि वो उसने कितना सरफेस कवर किया हुआ है वो उसका एरिया होता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। लुक केयरफुली एट द गिवन पेयर्स ऑफ शेप्स, टेक द शेप इन ईच पेयर विच हैज़ द ग्रेटर एरिया। अब यहाँ आपको कुछ शेप्स दिखाई गई हैं, आपको जो जो शेप आपको लगता है कि उसका एरिया ग्रेटर है उसको आपने टिक मार करना है। अगर ए पार्ट में देखें तो आपके पास ग्रेटर एरिया दिस वन, दिस शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया। बी की बात करें तो दिस शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया। जो शेप बड़ी है इट मीन्स कि उसका एरिया भी बड़ा है। सो सी में देखें तो दिस शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया, और डी की अगर बात करें तो दिस शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया। अब अगर इसको हाफ कर देते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना? तो इट मींस कि इस शेप का एरिया बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया। अब आपने उन शेप्स को टिक करना है जिसका एरिया स्मॉलर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप ए में देखें तो इस शेप का जो एरिया है वो स्मॉलर है, और यहाँ देखें तो इस शेप का एरिया स्मॉलर है, और सी में देखें तो इस शेप का एरिया स्मॉलर है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ नॉट ईजी टू टेल विच शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया। टू हेल्प अस फाइंड आउट द एरिया वी यूज स्क्वायर ग्रिड्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम फिगर्स को देखकर डिसाइड नहीं कर पाते कि किस शेप का एरिया बड़ा है, तो ऐसे शेप्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ग्रिड्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले इस ब्लॉक को रीड आउट कर लेते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ शेप कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज फॉलो। अब एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है, किस तरह वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं? एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय क्लोज्ड रीजन, वाइल पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री लाइंस ऑफ द रीजन। ओके, एरिया क्या है? एरिया बताता है कि उस शेप ने, उस क्लोज्ड रीजन ने कितना सरफेस कवर किया है, कितनी जगह घेरी हुई है। और जो पेरीमीटर है वो क्या बताता है कि जो आपकी शेप है उसकी जो लेंथ का सम है वो क्या है, जो उसकी बाउंड्री लाइंस हैं उसका जो सम है वो आपको पेरीमीटर बताता है। ओके, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ शेप यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स। लुक एट दीज शेप्स, इट इज़ नॉट ईजी टू टेल विच शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया। अब आपके पास यहाँ पे दो शेप्स हैं, इनको देखकर आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि किसका एरिया जो है वो बड़ा है या किसका एरिया छोटा है। सो स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट द एरिया लेट अस पुट द शेप्स ऑन टू स्क्वायर पेपर।
तो हम इनका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इनको हम स्क्वायर पेपर पे रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इनको, आप ये फिगर्स हैं आपके, इनको जब स्क्वायर पेपर्स में रखा तो आपके पास ये फिगर आ गई है। हाउ मेनी स्क्वायर्स डज ईच शेप कवर। अब आपने बताना है कि दोनों शेप्स में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। सो काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शेप ए कवर 7 स्क्वायर, ठीक है। अब शेप बी की तरफ चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शेप बी कवर्स 8 स्क्वायर्स, सो बी हैज अ ग्रेटर एरिया देन बी। इट मीन्स के शेप बी का एरिया जो है वो ग्रेटर है, लार्जर है एज कम्पेयर टू शेप ए। लुक एट द शेप्स मार्क्ड ऑन द ग्रिड, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ आपको अगेन कुछ शेप्स स्क्वायर ग्रिड्स पर कुछ शेप्स दी गई हैं, डिफरेंट आपके पास शेप्स हैं, तो अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप ए, कौन सी शेप है जिसका एरिया शेप ए के साथ मैच करता है। तो देख लेते हैं, शेप ए में आपके पास 2 स्क्वायर्स हैं, सी में भी 2 स्क्वायर्स हैं और जे में भी आपके पास 2 स्क्वायर्स हैं। सो इट मीन्स सी एंड जे हैव द सेम एरिया एज शेप ए। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में है, विच शेप्स हैव द सेम एरिया एज शेप एच, कौन सी शेप्स हैं जिनका एरिया शेप एच के साथ मिलता है। तो शेप एच को पहले देख लेते हैं, 1, 2, 3। शेप एच में आपके पास कितने स्क्वायर्स हैं, 3, बी में भी 3 हैं, एफ में भी 3 हैं एंड डी में भी 3 हैं। सो इट मीन्स बी डी एंड एफ हैव द सेम एरिया एज शेप एच। उसके बाद नेक्स्ट है, विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। अब आपने बताना है किस शेप का एरिया बड़ा है और किन शेप्स का एरिया छोटा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ए में आपके पास 2 स्क्वायर्स हैं, सी में भी 2 स्क्वायर्स हैं और जे में भी। सो इट मीन्स ए सी एंड जे हैव द स्मॉलेस्ट एरिया। और अगर आई को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर्स हैं आपके आई में, तो आई हैज़ द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एरिया। सो स्टूडेंट्स, डैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। होप सो आपको इन टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।